हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन अनंत क्लासेज। चलो बच्चों, देखिए हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, फ्रूट प्रोडक्शन, वीडियो लेक्चर 3। बच्चों, इसमें हमने दो लेक्चर देख लिए हैं, ठीक है, लाइम और मैंगो हमने पढ़ लिए हैं। तो बच्चों देखो, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले अमरूद गुआ, यानी बच्चों जो अमरूद यानी जो गुआ प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। ओके चलो बच्चों, अमरूद की नॉर्मल डिटेल हम देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, जो अमरूद का अदर नेम है कि भाई अमरूद को और क्या क्या बोला जाता है, अमरूद को किन किन नामों से और जाना जाता है बच्चों, तो वो देख लेते हैं हम। तो अमरूद है बच्चों, इसका अदर नेम है गरीब का सेब, यानी बच्चों अमरूद को गरीब का सेब बोला जाता है बच्चों। ये फल काफ़ी सस्ता होता है और सब वर्ग के लोग बच्चों देखो इसको अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो अमरूद का अदर नेम क्या हो गया, गरीब का सेब। और बच्चों देखिए, एक और नेम यहाँ पे दिया गया है कि एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, यानी बच्चों अमरूद को उष्णकटिबंधियों का सेब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमरूद को उष्णकटिबंधियों का सेब भी बोला जाता है। तो बच्चों हमारे पास अमरूद के दो नाम हो गए यहाँ पर, गरीब का अमरूद को गरीब का सेब भी बोला जाता है और एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी उष्णकटिबंधियों का सेब। अब बच्चों हम देखेंगे कि अमरूद का बोटेनिकल नेम यानी इसका वानस्पतिक नाम क्या है, सीडियम गुआ जावा। सभी जेट वाले बच्चे आ रहा, देखो बच्चों सभी जेट वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, बोटेनिकल नेम क्या है, सीडियम गुआ जावा। आगे चलो, फैमिली क्या है बच्चों अमरूद की, मिर्टेसी। क्या है फैमिली, क्या है मिर्टेसी। फिर बच्चों हम देख लेंगे कि ओरिजन, कि भाई जो अमरूद है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्पत्ति स्थान है बच्चों अमेरिका, वो मेक्सिको, पेरू, ठीक है बच्चों, अमेरिका या मेक्सिको, पेरू। बच्चों कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों जो अमरूद है इसका उत्पत्ति स्थान वेस्ट इंडीज को भी माना जाता है, वेस्ट इंडीज को भी माना जाता है। अब बच्चों देखिए आगे, अगर क्रोमोसोम्स नंबर की बात आती है, अमरूद में क्रोमोसोम नंबर्स 2x = 22, यानी बच्चों अमरूद में क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं, 22 होते हैं। बच्चों देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये कि अमरूद में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 22, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 22 होती है। आगे चलो भाई, क्रोमोसोम नंबर यानी बच्चों टाइप ऑफ फ्रूट, यानी जो अमरूद है बच्चों ये किस टाइप का फल है। बच्चों सरस टाइप का यानी बेरी टाइप का फल होता है, यानी खट्टा मीठा, ठीक है बच्चों। देखो टाइप ऑफ फ्रूट यानी सरस यानी बेरी टाइप का फ्रूट है बच्चों, ओके, यानी खट्टे मीठे फलों में आता है। इसके बाद देखो बच्चों, इडिबल पार्ट, कि भाई अमरूद में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है। देखो बच्चों, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो एडिबल पार्ट है यानी खाया जाने वाला भाग अमरूद में कौन सा है, वो होता है बच्चों फल भित्ति। अमरूद में हम फल भित्ति को खाने योग्य मानते हैं, देखो बच्चों फल भित्ति को खाते हैं जिसे पेरिकार्प बोलते हैं, मैंने बच्चों बताया था आपको, एंडोकार्प, पेरिकार्प वगैरह, ठीक है। तो जो फल में सबसे बाहरी भित्ति होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्प, यानी फल भित्ति खाई जाती है बच्चों, पुष्पासन भी इसमें खाया जाता है। ओके बाद देखो, अब इसके बाद देखिए बच्चों कि जो क्लाइमेट है अमरूद के लिए, हमें कैसी जलवायु चाहिए, क्लाइमेट क्या होती है बच्चों। तो क्लाइमेट होती है उष्ण एवं उपोष्ण। क्या होती है बच्चों, अमरूद के लिए जलवायु कैसी रहेगी, उष्ण एवं उपोष्ण, यानी बच्चों गर्म और शुष्क जलवायु। क्या बोल सकते हैं अपन, गर्म और शुष्क जलवायु। चलो बच्चों, क्लाइमेट में हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी बच्चों अच्छे क्वेश्चन, टेम्परेचर से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है आपके एग्जाम में। जेट वाले बच्चे ध्यान रखें कि जो टेम्परेचर होता है बच्चों, अब टेम्परेचर भी बच्चों हम यहाँ पे दो प्रकार के देखेंगे। क्या देखेंगे, टेम्परेचर भी हम दो प्रकार के यहाँ पे देखने वाले हैं कि चलो बताइए, जो अमरूद का जो प्लांट होता है इसमें अच्छे से वृद्धि यानी अच्छे से ग्रोथ करता है, उसके जो नॉर्म उसके लिए जो नॉर्मली टेम्परेचर है बच्चों वो कितना है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। भाई टेम्परेचर दो तरीके का देखें बच्चों, दो तरीके का टेम्परेचर अपन यहाँ पे देखेंगे। तो जो नॉर्मली टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सामान्य जो टेम्परेचर होता है इसकी ग्रोथिंग के लिए, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे अपन को लगाना है टिक,
और बच्चों अगर मान लो अपन जो स्टोरेज यानी भंडारण के लिए टेम्परेचर की बात करता है, अगर एग्जाम में बच्चों कंपटीशन में अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टोरेज के लिए कितना टेम्परेचर होता है, तो फिर आप बच्चों ध्यान रखना आपको टिक लगाना है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज के लिए उपयुक्त होता है। चलो आगे चलो बच्चों, भाई अमरूद के लिए सोयल कैसी रहेगी? सोयल रहेगी बच्चों अच्छी दोमट मृदा। इसके बावजूद बच्चों देखो कि जो अमरूद में विटामिन यानी अमरूद किस विटामिन का अच्छा सोर्स है, देखो अमरूद किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, विटामिन सी। बच्चों अच्छे क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देख लेना कि अमरूद से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। अब बच्चों देखेंगे हम कि जो अमरूद का जो प्लांट होता है बच्चों, उसमें पुष्पन का क्या समय, फूल आने का समय क्या है, उसको फ्लावर टाइम बोलते हैं। हार्वेस्टिंग का समय यानी कटाई का समय बच्चों, ओके, यानी फलन का समय। तो बच्चों देखो जो गुवावा प्लांट होता है अमरूद, इसमें पुष्पन व फलन के लिए 3 प्रकार की बहार होती है। देखो बच्चों सबसे पहले आती है अंबे बहार। देखो बच्चों एक प्रकार से पुष्पन व फलन के लिए टाइमिंग होती है, बहार का मतलब क्या होता है, एक टाइमिंग होती है बच्चों देखो, जिसके अनुसार इस प्लांट में फूल आता है, पुष्पन का समय होता है यानी फलन का समय होता है। तो इसके बाद देखिए बच्चों हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो बहार आएगी वो है अंबे बहार। अंबे बहार के अनुसार इस प्लांट में फ्लावर टाइम क्या होगा बच्चों, फरवरी से मार्च। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं बच्चों कमीशन में, ध्यान से देखिएगा। और देखिए अंबे बहार में पुष्पन का समय क्या दे रखा है, फ्लावर टाइम क्या देगा, फरवरी से मार्च। और हार्वेस्टिंग यानी फलन का समय क्या है बच्चों, जुलाई से अगस्त दे रखा है। मृग बहार, देखो बच्चों मृग बहार पर मैंने इम्पोर्टेंट यानी बच्चों एक स्टार लगा रखा है। तो बच्चों आपके कंपटीशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि चलो बताइए कि राजस्थान में कौन सी बहार आती है। भाई जो 3 प्रकार की आपको यहाँ पर फ्लावर टाइम के लिए जो बहार दी गई है बच्चों, इनमें से राजस्थान में कौन सी बहार आती है, तो बच्चों आपका आंसर रहेगा कि राजस्थान में आने वाली बहार होती है मृग बहार। क्या होती है बच्चों, इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में कौन सी बहार आएगी, मृग बहार। मृग बहार में फ्लावर टाइम होता है जुलाई से अगस्त, और हार्वेस्टिंग का टाइम होता है बच्चों नवंबर से दिसंबर, ओके। इसके बाद देखो बच्चों के हस्त बहार, तीसरे नंबर की जो बहार है बच्चों, उसमें फ्लावर टाइम है अक्टूबर से नवंबर, वहाँ हार्वेस्टिंग का समय है बच्चों मार्च से अप्रैल, ओके। फिर से देख लेते हैं बच्चों में एक बार कि जो अमरूद है बच्चों, इसके 2 अदर नेम होते हैं, एक तो गरीबी का सेब बच्चों इसको बोला जाता है, एक एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स इसको बोला जाता है यानी उष्णकटिबंधियों का सेब। बोटेनिकल नेम क्या है बच्चों, सीडियम गुवाजावा। फैमिली क्या है, मिर्टेसी। ओरिजिन स्थान क्या है, अमेरिका या मेक्सिको, पेरू। क्रोमोसोम नंबर है बच्चों 22। और सरस टाइप का बच्चों फल होता है, एडेबल पार्ट यानी खाया जाने वाला भाग, पेरिकार्प को खाया जाता है, पुष्पासन। क्लाइमेट कैसे लेंगे बच्चों, उष्ण व उपोष्ण यानी शुष्क व गर्म जलवायु। टेम्परेचर की बात आती है बच्चों, 2 प्रकार से टेम्परेचर देख रहे हैं। नॉर्मली टेम्परेचर है बच्चों 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और स्टोरेज यानी भंडारण के अनुसार है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस। सोयल है बच्चों अच्छी दोमट मृदा, ओके। विटामिन है बच्चों विटामिन सी, यहाँ से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 3 प्रकार फ्लावर टाइम के अनुसार 3 प्रकार की बहार यहाँ पर आती है, अंबे बहार फरवरी से मार्च व जुलाई से अगस्त, इसमें हार्वेस्टिंग का समय होता है। मृग बहार जो राजस्थान में होती है जुलाई से अगस्त, तथा फलन का समय होता है नवंबर से दिसंबर, ठीक है। अस्त बहार अक्टूबर से नवंबर, हार्वेस्टिंग का समय मार्च से अप्रैल। चलो बच्चों और भी यहाँ से देखो अमरूद से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं। देखो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। देखो बच्चों सबसे पहले विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है भाई, अरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन, देखो बच्चों पूरे विश्व में वो कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में गुवावा प्रोडक्शन यानी अमरूद का उत्पादन होता है बच्चों, उस आंसर है आपका भारत, इंडिया, ओके। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है, इंडिया। अब बच्चों थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं, देखो बच्चों कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है बच्चों। यहाँ पर हम पहले देश की बात कर रहे थे, अब स्टेट की बात करेंगे बच्चों कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, आपका आंसर है बच्चों यूपी, उत्तर प्रदेश, ओके।
और बच्चों यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कौन? देखो बच्चों, ये तो हमने स्टेट की बात कर ली कि भाई चलो यूपी में होता है, ओके, परंतु यूपी में भी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन? इलाहाबाद जिले में कहाँ होता है बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट वाले बच्चे ध्यान रखें। राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है बच्चों? सवाई माधोपुर में होता है। कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में होता है। ओके बच्चों, फिर से देख लो एक बार, विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है? इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में, यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में होता है? कौन से जिले में होता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद जिले में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सवाई माधोपुर में। ओके बच्चों, थैंक यू।